स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरी समाचार में। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा में हम रउआ सबके रूबरू कराइब सप्ताह भर के उबढ़न खबरन से जे बनल रहल चर्चा में। चलिए समाचार के शुरुआत कैल जाओ। जेडीयू के चार बागी विधायक लोग के सदस्यता खत्म कर दिहल गई। एही ना जवन चार बागी विधायक लोग के सदस्यता खत्म कर कैल गई बा, ओह लोग के पूर्व विधायक लोग के भी कवनो सुविधा ना मिली। इ फैसला आइला के बाद जवना लोग पर कार्रवाई भइल बा, ओह लोग के तेवर औरी तल्ख हो गई बा। फैसला आ गई बा। आ जेडीयू वाला कमान अपना खिलाफ भइल बगावत पर सजा भी मुकर्रर कर दिया। पार्टी के चार बागी रविंद्र राय, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बबलू आ राहुल शर्मा के विधानसभा के सदस्यता खत्म कर दी गई। यह फैसला के बाद यह लोग के जेडीयू से बचल कुचल संबंध भी खत्म। इनका सदस्यता रद्द करने का और ये भी साथ साथ ये भी कि ये भूतपूर्व सदस्य के भी कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब हम लोग अब भूतपूर्व सदस्य भी नहीं रहेंगे। ये अभूतपूर्व फैसला जो होता है, जैसे नक्सल का नक्सली फैसला होता है ना, नक्सल के लीडर का नक्सली फैसला होता है, उस तरह का नक्सली फैसला कानून का कोई सम्मान नहीं, विधानसभा के नियमावली का कोई सम्मान नहीं। जेडीयू के मुताबिक चार बागी तेवर वाला नेता पार्टी खातिर मुश्किल बढ़ावत रहे आ पार्टी के नीति के लगातार मुखालफत करत रहे। असल में जेडीयू में दूसरा दल के नया चेहरा के मौका मिलला आ बीजेपी के साथ गठबंधन टूटला के बाद ये नेता लोग जबरदस्त नाराजगी जतौले। बाकी पार्टी इनका लोग के नाराजगी के कौनो तवज्जो ना दी और इनकर विधानसभा के सदस्यता के खत्म कर दी। सदस्यता रद्द भइला के बाद बागी नेता के तेवर और तल। ये MLA ही नहीं, ये XMLA भी नहीं रहेंगे, XMLA का भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह का फैसला सुनाया गया, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कितने बाइस्ड हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग का सदस्यता ही नहीं, हम लोग पूर्व सदस्य भी नहीं रहेंगे और पूर्व सदस्य की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह का फैसला सुनाया गया, आप समझ सकते हैं कि कितना बाइस्ड हो। पार्टी के लिए तो घातक हो चुका है। पार्टी अब गर्ग में जाने वाली है, पार्टी कब्र में जाने वाली है। पूरा पार्टी तो तबे बिल्कुल नीतीश कुमार के कहने पर हर फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के इशारे पे, कहने पे, उन्हीं के आदेश पे हर फैसला लिया गया है। देखिए, कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं हुआ है। हम लोग पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ये नीतीश कुमार तनाशाही अहंकारी, नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल है, आदेश पालक और रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के फैसला के मुताबिक और चारों लोग के पूर्व विधायक लोग के मिले वाला भी कोनो सुविधा ना मिली। ये फैसला के बाद कई गो सवाल उठे। का जेडीयू ये गो और टूट तैयार बा? का बीजेपी से ये चारों नेता हाथ मिलाई है? ये तमाम सवाल बा जेकर जवाब समय के साथ मिलल तय बा। साकेत कुमार, डी मीडिया, पटना। तो औरी तल्ख हो गई बा बागी विधायकन के तेवर। इन्हें देश के जनता के अच्छा दिनन के सपना देखावे वाला बीजेपी के अब बिहार के सीएम जीतन राम मांझी अच्छा लागत अड़न। बीजेपी के बड़ नेता सीपी ठाकुर सीएम जीतन राम मांझी के बीजेपी में शामिल होए के ऑफर दिले बाड़न। यही ना NDA के घटक दल LJP भी मांझी के बदला नीतीश पर तल्खी और मांझी पर मेहरबानी के मुद्दा पर महागठबंधन के नेता लोगन NDA पर आंख तड़ेड़ले बा। लगातार अपन बयान के लेके सुर्खियन में रहे वाला बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के लेकर बीजेपी अब नरम रुख अपना रहल बिया। हाले में सीएम जीतन राम मांझी सीएम होए के बावजूद फैसला लेवे में लाचारगी जतैले रहन। सीएम के ओह बयान के बाद बीजेपी सीएम के विरोध में ना बाकी उनकर बचाव में बयान दे रहल बिया। अब बीजेपी के सीनियर लीडर CP ठाकुर सीएम जीतन राम मांझी के बीजेपी में शामिल होए के ऑफर दिले बाड़न। आएंगे तब तो स्वागत हम लोग करेंगे, यहाँ आएंगे तब ना, पहले वहाँ में उनको वहाँ अगर कष्ट है तो हम लोग यहाँ आ जाएँ, अगर वहाँ कष्ट है तो हम लोग यहाँ आ जाएँ। वहाँ लग रहा है जैसे उनके बयान वगैरह से कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो बीजेपी में आ सकते हैं। बीजेपी दलित लोगों को खूब बढ़ावा देती है, दलितों की पार्टी है।
वहीं सीपी ठाकुर के पहले बीजेपी के सहयोगी एलजेपी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी सीएम मांझी के बेबसी पर चुटकी लेवे के बहाने नीतीश पर पर्दा के पीछे राजनीति करे के आरोप लगैले रहन और जीतन राम मांझी के बेचारगी से उबरे के नसीहत भी दिले रहन। वही जीतन राम मांझी और वही कहते भी हैं, वो कहते हैं, ये बेचारे बोल देते हैं, साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि उनको काम करने की पूरी आजादी नहीं है। मांझी के लेके रामविलास पासवान और बीजेपी के नरम रुख के बाद महागठबंधन के नेता लोगन के बेचैनी बढ़ गई बा और उनकर तरफ से भी बीजेपी पर हमला बोलल गई बा। डॉक्टर सीपी ठाकुर की राय जो आई, उभर करके आई है, उसके आधार पर सुशील मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए उनको कि भाई आप तो रिमोट से कर रहे हैं कि रिमोट से चलते हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी। बीजेपी के नेता कहते हैं सुशील मोदी जी कि नया नेता जनता दल यू चुने, तो इस बात पर स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्यशैली और अपनी कार्यनीति को तय करना चाहिए। यह बीजेपी के लोग का अलग नज़रिया है। सीपी ठाकुर का अलग बयान कभी छपता है, सुशील मोदी का अलग बयान छपता है, इसलिए उन लोगों में भारतीय जनता पार्टी में नेता पद के लिए खुद मतभेद है कि अगला सीएम कौन होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, रामविलास भी है, तो अपना वो लोग जो उनका गठबंधन वो लोग तय करें, अपना तो पहले एकता बंध रहे, हमारे बारे में क्यों बोल रहा है। मांझी के बयान के बहाने बीजेपी और ओकर विरोधियन के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गई बा। जाहिर बा बीजेपी जीतन राम मांझी के बहाने बीजेपी बिहार के 22% महादलित वोट के आपन पाला में करल चाहेले। आनंद अमृतराज, डी मीडिया, पटना। इन्हें बात झारखंड के कहल जाओ तो झारखंड के दू बड़ सियासी दल आपन सियासी दोस्ती के मियाद खुदे खत्म कर दिलस। जेएमएम और कांग्रेस आपन चुनाव में राह जुदा कर लिहले बा। सीट के चाह में झारखंड के महागठबंधन के आह निकल गई बा। बाकी का टूट में बिहार के सियासी दल भी आपन राह तलाश रहल बाड़न। जेडीयू के झारखंड के तैयारी के देख के कुछ ऐसने अंदाजा मिल रहल बा। नतीजा से पहले दिख गई अंजाम। झारखंड में महागठबंधन बने से पहले तमाम। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और निश्चित रूप से अब इस राज्य को जिस तरीके से 14 वर्षों में इस राज्य ने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा है, अब कहीं ना कहीं इस राज्य को स्थिर करने की आवश्यकता है। झारखंड में महागठबंधन के सूरत और ओकर हाल दोनों बिगड़ गई बा। कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ता खत्म हो चुकल बा। तीन बंटवारा के पेच ऐसन फसल कि सब फॉर्मूला ही फांस बन गई और दिल्ली दरबार भी रांची के रियासत संभाल न सकल। कोई भी मित्रता यदि टूटती है, किसी की भी व्यक्तिगत किसी का भी कोई दोस्त यदि छूटता है, हटता है, तो स्वाभाविक रूप से उसको दुख होता है, तो यदि ऐसा कुछ होगा तो दुख तो होगा ही। चुनाव झारखंड के सियासत के हर राज के पर्दाफाश कर दिलस। हालांकि बिहार में एकर ज्यादा असर तो ना भइल, बाकी मौका के ताक में यहां के सियासी दल जरूर बाड़न। दरअसल झारखंड के महागठबंधन में जेडीयू के भी शामिल होए के बात सामने आ रहल बा और अब जेएमएम के महागठबंधन से बाहर हो जाए के सूरत में जेडीयू झारखंड में पांव पसारे के कवायद शुरू कर दिले बा। तो ई बात साफ बा कि चुनाव एगो मुफीद मौका बन गइल बा। नहीं, यहां इस बैठक में तो मैं आया हूं झारखंड के लिए। झारखंड में चुनाव आ गया है तो यहाँ लोग कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए तो कार्यक्रम में भी शरीक हो जाइए और बातचीत भी यहीं से। तो मैं झारखंड के जो लगे हुए इलाके हैं उनमें पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि भाई वहाँ तैयारी करो और अभी गठबंधन जो है उसकी चर्चा चली हुई है। अभी बात गठबंधन की एक तरह से पूरी तरह शेप नहीं लिया है और इसी मकसद से यहाँ आया था। झारखंड में चुनाव होए जा रहल बा।
और एकरे बहाने बिहार के सियासी दल 2015 खातिर आपन नीति के दुरुस्त करे में जुट गए बाड़े। बाकी ओकरा से पहले झारखंड के सियासी हालात में बिहार के सियासी दिलचस्पी जरूर बढ़ गई बा। साकेत के साथ सुबीर चटर्जी और सनी जी मीडिया। यहाँ रुका बेको छोट ब्रेक खातर, ब्रेक के बाद लौटब तब बात हुई कुछ और बड़ खबर के। रुकल जो अगला खबर के, सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के कैगो गांव में डायरिया फैलल बा। यह बीमारी से अब तक 4 लोगन के मौत हो चुकल बा और 150 से अधिक लोग बीमार बाड़े, जिनकरा समुचित इलाज नहीं मिलत। बीमार लोग इलाज खातिर झोला छाप डॉक्टर के भरोसे बाड़न। बिहार में जब महादलित समाज के जीतनरा माझी मुख्यमंत्री बन ले, तब महादलित समाज के लोग के आस जागल कि उनकर दिन बहुर जाई। बाकी जवन हालत लौकत बा ओकरा देख के त इहे कहल जा सकेला कि ताज और तख्त बदलना से दिन ना बदले। सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के कैगो गांव में डायरिया फैलल बा। अबले डायरिया से 4 लोगन के मौत हो चुकल बा। बाकी एकरा बादो इलाका में प्रशासन के ओरी से कवनो उपाय नहीं खे दिखल। लोग झोला छाप डॉक्टरन से इलाज करावे खातिर मजबूर बाड़े। बच्चा तो 3 मरा है और सियाना रात को 1 मर गया। सरकारी कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते जो है कि यहाँ बहुत दिन पर दिन घटना होते ही जा रहा है। तो बच्चे का कहाँ इलाज कराते हैं आपको? बच्चा अरुणालय हेल्थ सेवा केंद्र में इलाज करा रहे थे और अभी भी किसी तरह बचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के पकड़ीगढ़ गांव में ना दिवाली मनल ना छठ। महादलित बस्ती में डायरिया के कहर पर पलवा। कहे कि बस्ती के ज्यादातर लोग डायरिया से पीड़ित बाड़े। ए बीच एगो एनजीओ गांव वाला के मदद में सामने आयल बा। 160 प्रेम नगर टोला से आया डायरिया से पीड़ित। उसमें मेरे हल्सी इधर मर गए, एक ही बाहर मर गए, 2 से 3। कितने इलाज के लिए आए? इधर डायरिया से 160 आया है। क्या लग रहा है, डायरिया का प्रकोप जारी है क्या? अभी भी पूरा कंटिन्यू कंप्लीट नहीं हुआ, दिस थिंग स्टिल जारी है अदर साइड। एक ओरी जहां डायरिया से एक के बाद एक लोग के मौत हो रहल बा, उन्हीं स्वास्थ्य महकमा के लोग के एकरा से कवनो मतलब नहीं खे। महकमा के अधिकारी लोग के बयान सुन के लागत बा कि उनकर इलाज कैसे होई, एकर कवनो फिकिर नहीं खे। तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मतलब होता क्या है कि आजकल पानी चारों बगल बढ़ गया था और पानी बढ़ जाने पर मछली लोग खाता है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो खेत में डाला हुआ रहता है, वो मछली खाई रहती है, मरी रहती है या बासी मछली खाई रहती है। ये इस समय का मौसम जो है सितंबर का एंड और अक्टूबर, इसमें इस मछली खाने से डायरिया का बहुत इंसिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि बच्चा सब में वायरल डायरिया का भी इस समय चांस ज़्यादा होता है। हमको मालूम हुआ था कि सुप्पी में और सोनबरसा में एक एक गाँव में दोनों जगह जो है डायरिया का प्रकोप हुआ था। अब जब अधिकारी इस तरह से बयान दे रहल बाड़े तो समझल आसान बा कि लोग के इलाज कैसे होत होई। हमनी के अपील बा सीतामढ़ी के डायरिया पीड़ित लोग के दर्द के सीएम साहब रहुआ देखी और उनका लोग के इलाज के व्यवस्था कराई। त्रिपुरारी शरण, सी मीडिया, सीतामढ़ी। यहाँ रुका बेगो और छोट ब्रेक खातर, ब्रेक के बाद लौटब तब बात हुई कुछ और बड़ खबर के। ब्रेक के बाद राउ स्वागत बा। शायद ही आज कोनो ऐसन होखी जेकर हाथ में स्मार्टफोन ना होखस, जे मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल ना करत हुई। बाकी पिछला 5 सालन में मोबाइल इंटरनेट के कीमत में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई बा। देखिए खास रिपोर्ट। काहे बढ़ रहल बा राउर मोबाइल के बिल?
के डाल रहल बा राउर जेब पर डाका। 5 साल में 5 गुना बढ़ गईल बा इंटरनेट के दाम। मोबाइल इंटरनेट की महंगाई मशीन। भाग दौड़ के एह जिंदगी में मोबाइल हमार खातिर एगो जरूरी चीज बन गईल बा, और खास तौर से स्मार्टफोन हमार आराउर जिंदगी के और भी स्मार्ट बना दिले बा। चाहे दोस्त लोगन और संबंधी लोगन के साथ इंटरनेट पे बात कईल होके, स्मार्टफोन अगर राउर हाथ में बा तो मानी सारा दुनिया मुट्ठी में बा। अगर ये कहल जाए कि आज मोबाइल में इंटरनेट एगो आदत से ज्यादा जरूरी बन चुकल बा तो कहल गलत ना होई। घर बैठल ऑफिस के काम होके, चाहे सात समुन्दर पार दोस्त लोगन के साथ करे के हो बात, एकरा से बेहतर कोनो जरिया नहीं खे। और ये बात मोबाइल ऑपरेटर भी खूब बढ़िया से जानेलन। तबे ता लगातार मोबाइल इंटरनेट के रेट आसमान छू रहल बा। मोबाइल कंपनी हमार जेब पर डाका डाल रहल होके, बाकी हैरानी के बात ई बा कि हम एकदम चुपचाप बैठल बानी और बढ़त रेट्स के बाद हम भी लगातार आपन जेब कटवात जात बानी। जरा देखी, आज से कुछ साल पहले जे मोबाइल इंटरनेट खाली 58 रुपए के रहे, आज वही इंटरनेट के दाम 5 गुना बढ़ चुकल बा। खाली इतने ना, पहले वैलिडिटी पूरा 30 दिन के होत रहे, जेकरा आज कम करके 28 दिन के कर दिहल गईल बा। अब सवाल ई बा कि पेट्रोल और डीजल में 1 रुपया के इजाफा होला तो हम सड़क पर उतर आवेनी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों करेनी, बाकी मोबाइल कंपनी के खिलाफ हम चुप काहे रहेनी, आखिर ऐसन काहे बा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगला खबर के रुक कर जाओ, छठ पूजा के लेके हम घाटन के चकाचक कर देवेनी, बाकी ओकर बाद एह बात के तनिको एहसास ना रहेला कि हम ओही घाटन पर गंदगी छोड़ावेनी। लगभग हर घाट पर पूजा के बाद गंदगी फैलल बा, और गंदगी स्वच्छ भारत मुहिम के आईना दिखा रहल बिया। आस्था के महापर्व के बाद इतना गंदगी काहे? छठ के पहचान बा साफ सफाई, फिर पर्व के बाद काहे फैलल बा इतना कचरा? गंगा किनारे फैलावल ई कचरा के फैलेले बा? छठ के दौरान साफ सफाई पर इतना ध्यान और पर्व खत्म होत ही हम काहे भूल जाइला कि साफ सफाई के कितना महत्व बा। ई सुबह के अर्घ के तुरंत बाद के तस्वीर बा, जब गंगा में सूर्य के उपासना के बाद श्रद्धालु ओकरा गंदा करके चल गई ले। गंदा को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा उसका हाथ है। हमारे समाज से जैसे अभी मैं नागपुर गया था, वहाँ तो वहाँ गणपति के विसर्जन के समय मैंने देखा कि जितने भी ये फूल ये सब जो विसर्जन नहीं करने दे रहे थे, वो एक डस्टबिन बना दिए थे, बोल रहे थे फूल ये सब उसमें डालें। और जितना POP का मंदिर मूर्ति था उसके लिए भी अलग जगह बनाया गया था, केवल मिट्टी के मूर्ति को ही वो विसर्जित करने दे रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, और केवल बोलने के लिए ही लोग हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि प्रशासन की तरफ से भी कुछ तैयारी होनी चाहिए थी? प्रशासन की तरफ से भी तैयारी जरूर होनी चाहिए थी। गंगा के भक्त लोगन आम लोगन के ऐसन व्यवहार पर सवाल उठैले बाड़े। उनका ही मानना बा कि अगर यही हाल रही तो गंगा के सफाई के सपना कभी पूरा ना हो सकी। डेफिनेटली ये इसमें हमारा मेजर रोल है, हम गंगा को पवित्र करते हैं। और जो सबसे मेजर कारण है, जहाँ तक मुझे समझ है, कि जो शहर का जो सिटी का वेस्ट है, जो एफ्लुएंट है, जो वेस्ट होके जो नदी में मिलता है, वो सबसे मेजर है। आस्था अपने हद तक ठीक है, लेकिन आस्था अगर एक रिफाइंड वे में चलेंगे, जैसे आस्था के साथ साथ जैसे आप कचरे लेके आते हैं, आप फूल लाते हैं, उसमें बर्तन और बहुत सारा पूजा का सामग्री रहता है, साथ में पॉलीथीन जो डालते हैं। तो भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने। ताज़ा खबरन खातिर देखत रही जी पुरवैया, नमस्कार।